गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा चर्चा का विषय है बायोलॉजी ऑफ स्कॉर्पियन या बिच्छू की जैविकी। बिच्छू की जैविकी में हम उसका पूरा सिस्टम्स और उसकी पूरी फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिच्छू की वर्गीकृत स्थिति सिस्टमेटिक पोजिशन क्या है। इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है क्योंकि इसके ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं इसमें। सब फाइलम चेलिसेरेटा है क्योंकि इसमें चेलिजर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लास एरेक्निडा है, इसमें चार जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। और ऑर्डर इसका स्कॉर्पियोनिडा है, जो स्कॉर्पियन के जैसे इसकी संरचना होती है और स्कॉर्पियन ही है ये। तो स्कॉर्पियोनिडा ऑर्डर के अंदर स्कॉर्पियन के जैसे एनिमल्स इसमें सम्मिलित होते हैं। जीनस इसका बेलेमनियस और स्पीसीज स्वामरडेनी, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसे सामान्यतया बिच्छू या स्कॉर्पियन कहा जाता है। संसार में बिच्छुओं की जो है वो लगभग 1400 प्रजातियां खोज ली गई हैं। इनमें से केवल 40 या 50 प्रजातियां ही मनुष्य के लिए घातक होती हैं या मारने के लिए सक्षम होती हैं। बिच्छू का नाम आते ही हमारे शरीर में एक हमारे मन में एक डर पैदा होता है क्योंकि इसके इसकी संरचना इसको बड़ी डरावनी होती है। इसकी इसके पीछे एक डंक होता है, उसमें से जहर होता है और वो जहर मनुष्य के शरीर में घातक होता है। बिच्छू की संरचना हम अगर देखें इसकी मॉर्फोलॉजी तो इसके डोर्सल और वेंट्रल व्यूज में दिखाए गए हैं। इसमें ए में है इसका डोर्सल व्यू। इसमें डोर्सल व्यू के अंदर इसकी तीन संरचना, इसके तीन शरीर के तीन भाग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, प्रोसोमा, मीजोसोमा और मेटासोमा। प्रोसोमा के ऊपर एक कैरापेस कवच पाया जा रहा है जिसके सभी खंड प्रोसोमा इस कैरापेस में ढके हुए हैं। मीजोसोमा के अंदर सात सेगमेंट हैं जो स्पष्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मेटासोमा इसकी पूंछ या डंक के समान संरचना है जिसमें अलग से छह खंड होते हैं, पांच खंड स्पष्ट होते हैं और छठा खंड में डंक या वो स्टिंग टेलसन पाया जाता है। इसके वेंट्रल साइड को अगर उलट करके देखें, वेंट्रल साइड में देखें तो इसकी टांगें स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसकी चार टांगें इस प्रोसोमा के अंदर से निकलती हुई दिखाई देती हैं। इन टांगों के जस्ट नीचे की तरफ एक कंघी के समान संरचना और पाई जाती है। इस कंघी के समान संरचना को इस पेक्टिन कहते हैं, पेक्टिन कहते हैं। पेक्टिन जो है वो स्पर्श संवेदी संरचना होती है इसकी और जो प्रजनन के समय स्पर्श का ज्ञान कराती है। इसका स्वभाव और आवास हैबिटेट की बात करें तो ये गर्म प्रदेशों में पाया जाने वाला स्थलचर प्राणी है। ये रात्रिचर होता है, दिन के समय पत्थरों, दरियों, दरारों या पुरानी चीजों के नीचे छिपा रहता है। बाह्य लक्षण देखें इसके तो पेलेमनियस का जो शरीर है वो लंबा होता है, पतला होता है और खंड युक्त होता है, खंड बाहर से दिखाई देते हैं। पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ पतला होता है। इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। शरीर का रंग काला, पीला या भूरा हो सकता है। पृष्ठ पर गहरा होता है लेकिन प्रतिपृष्ठ पर थोड़ा हल्का होता है, लाइट कलर होता है। बाहर से इसके शरीर को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, प्रोसोमा, मीजोसोमा और मेटासोमा। प्रोसोमा जो है शरीर का सबसे आगे का भाग है जो सिर और वक्ष के सात खंडों के संयोजन से बनता है। इसमें एक तो होता है प्री ओरल सेगमेंट और छह पीछे के होते हैं पश्चमुखी या पोस्ट ओरल सेगमेंट होते हैं। प्रत्येक जो पश्चमुखी खंड में एक जोड़ी संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। इस प्रकार से छह जोड़ी उपांग इसमें होते हैं, चार जोड़ी तो इसकी वॉकिंग लेग्स होती हैं और प्रथम जोड़ी इसका स्मॉल चिलिट लेग्स, चिलिट चेलिसेरी होते हैं और एक जोड़ी उसमें पेडिबल्ब होते हैं जो बड़े बड़े आकार के होते हैं और वो आगे के मुंह के आगे की तरफ इसकी संरचना का अहम हिस्सा होते हैं। इन अपेंडिसेस को तीन भागों में इसकी डायग्राम बनाए बताए गए हैं। इसमें चिलेट सेल ए में तो चिलेट चेलिसेरी है और एक ये लार्ज पेडिपल्प है जिसमें चिमटे की समान संरचना है और ए वॉकिंग लेग होते हैं, ये चार जोड़ी वॉकिंग लेग होते हैं। इसमें कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिविया, प्रोटार्सस और पीडल स्पर, टार्सस और टार्सस क्लॉ, ये इन खंडों से मिलकर के बना होता है एक। मुख की सुरक्षा के लिए आगे की तरफ लेब्रम पाया जाता है जिसे ऊपरी होस्ट भी कहते हैं, ऊपर का अपर लिप भी कहते हैं। मुख के दोनों तरफ चेलिसेरी या पेडिबल्ब पाए जाते हैं। प्रोसोमा की अधर सतह पर त्रिकोणाकार प्लेट स्टर्नम पाई जाती है। तीसरे से छठे खंड तक पार्श्व में दरार नुमा एक श्वसन रंध्र या स्पेरिकल पाए जाते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये बुक लंग्स में खुलते हैं और इनके प्रमुख श्वसनांग होते हैं। बिच्छू के प्रमुख श्वसनांग बुक लंग्स होते हैं।
उधर ये पशु काय की बात करें तो उधर को पूरे उधर को उपिस्थुसोमा कहते हैं, और ये उपिस्थुसोमा फिर दो भागों में डिवाइडेड रहता है, मीजोसोमा और मेटासोमा। ये शरीर का पिछला पतला लंबा और बेलनाकार भाग होता है। इसके दो भाग मेटासोमा, मीजोसोमा और मेटासोमा होते हैं, इसे उधर भी कहते हैं। सभी खंड इसके काइटिन से ढके हुए कवच कवच से बने हुए ढके से ढके रहते हैं। इसके बॉडी वॉल की बात करें तो बिच्छू की देह भित्ति या बॉडी वॉल तीन स्तरों की बनी होती है। सबसे ऊपर होती है क्यूटिकल, उसके नीचे हाइपोडर्मिस और सबसे नीचे होती है आधारिकला। क्यूटिकल काइटिन युक्त होती है, अकोशिकीय परत होती है। हाइपोडर्मिस एक कोशिकीय स्तंभी कला कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये स्तर पर आधारिकला से स्तरित रहता है। आधारिकला ये स्तर आधारिकला से स्तरित रहता है। ये कोशिकाएं क्यूटिकल का श्रावण करती हैं, और सबसे नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये ढीले संयोजी ऊतक से बना होता है। इसमें ब्लड लेक्यूनी पाई जाती है। अब इसके फीड फूड फीड और डाइजेशन की बात करें तो ये शिकारी प्रवृत्ति का मांसाहारी प्राणी होता है। रात को कीटों को या मकड़ियों को पकड़ करके ये अपना भोजन बनाता है। ये भोजन को ग्रसनी की सहायता से चूसता है। ये पूरा का पूरा भोजन टुकड़ों के रूप में नहीं ले सकता, उसका रस चूसता है। ये कैनिबलिज्म या मेट्रोफेगी इसमें पाई जाती है, यानी कि ये अपने स्वयं जाति भक्षता, अपने स्वयं के जाति के बिच्छू बिच्छू को ही खा सकता है। इसके बच्चे जो हैं वो अपनी माता को खा जाते हैं। तो ये शिकार को मार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके देह द्रव को चूसता है, यानी ये खा नहीं सकता, उसको चूसने का काम करता है। इसमें शकिंग फेरिंग्स की सहायता से शक कर सकता है। बिच्छू का पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र आहार नालों पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। इसकी आहार नाल जो है पुनः तीन भागों में, चार भागों में डिवाइडेड रहती है। सबसे आगे प्री ओरल केविटी है, मुख के आगे का भाग प्री ओरल केविटी, उसके बाद में फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ये चार भाग उसके होते हैं। इसके बाद में मुख जो प्री ओरल केविटी है, मुख के आगे की तरफ बड़ी हुई गुहा होती है। इसके ऊपर दो दो कैलिसेरी और एक लेब्रम बना होता है। दोनों पार्श्वों में पदस्पर्शकों के कक्षांगों के द्वारा ये सुरक्षित रहता है। इसका फर्श प्रथम दो चलनांगों के जो मैक्सिलिपीड है उनसे बना होता है। फोरगट या स्टोमोडियम की बात करें तो अग्रांत का स्तर क्यूटिकल से आस्तरित होता है, जो एक्टोडर्म के द्वारा स्रावित होती है। ये मुख ग्रसनी और ग्रसिका से मिलकर बना होता है। मुख पूर्व गुहा के पीछे एक छोटी सकरा अनुप्रस्थ एक छिद्र भी पाया जाता है। मुख जो है वो छिद्र के रूप में पाया जाता है। ये लेब्रम के नीचे स्थित होता है और मुख के पीछे की तरफ ग्रसनी में खुलता है। ये इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बताया गया है इसमें चित्र में। जो सबसे आगे की तरफ मुख है, उसके पीछे ये फेरिंग्स है, उसके पीछे ये उसोफेगस पार्ट है, और ये इसका छोटा सा फूला हुआ भाग स्टमक है। इस स्टमक में ये लार ग्रंथियां आकर के खुलती हैं, और फिर इसके बाद में इसकी इंटेस्टाइन और हेपेटिक डक्ट हैं। ये हेपेटिक डक्ट भी ये एंजाइम का श्रावण करती हैं। उसके नीचे ये फूला हुआ भाग है, इसमें मेल्पिगिन ट्यूब्यूल्स लगी हुई हैं। ये मेल्पिगिन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो देह द्रव में से अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करके इस आहार नाल में डालती हैं, और पीछे की तरफ पोस्ट एब्डोमिनल आहार नाल हाइंडगट और एनस से होते हुए ये बाहर निकल जाता है। शिशु में मुख इतना छोटा होता है कि इसमें केवल तरल पदार्थ या भोजन का रस या लुगदी ही प्रवेश कर सकती है। ग्रसनी एक बड़ी पेशी चूषकीय संरचना होती है, शकिंग एपरेटस होता है इसका। इसकी भित्ति लचीली होती है, मांसपेशी युक्त होती है, और इसको चूषक अंग की तरह कार्य करती है। चूसने की क्षमता होती है इसके अंदर। ग्रसनी की सहायता से तरल भोजन को चूसा जाता है, और ग्रसनी पीछे की तरफ उसोफेगस में खुलती है। उसोफेगस जो है वो तंत्रिका वलय में से होकर के निकलता है, यानी उसोफेगस के चारों तरफ तंत्रिका वलय होती है, और तंत्रिका वलय का जो ऊपरी भाग है वह ब्रेन बनाता है। यानी सुप्रा उसोफेजियल गैंग्लियन जो दो मिलकर के वो ब्रेन बनाते हैं इसका। तो उसोफेगस एक ऐसा भाग है जहां पर वेंट्रल नर्व कॉर्ड बाइफरकेट होकर के और उसके चारों तरफ एक रिंग बना लेती है, और उस रिंग का ऊपरी हिस्सा इसका ब्रेन कहलाता है। ये आमाशय में से होकर के और ये एक स्लीप वाल्व बनाती है। स्लीप वाल्व आमाशय में गए हुए भोजन को वापस आने से रोकता है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ने देता है, पीछे की तरफ नहीं आने देता। ग्रसनी और ग्रसिका के संगम स्थल पर एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो लार का श्रवण करती हैं आमाशय में। मध्यांत या मिजेंटेरॉन वो अग्रांत के पीछे की तरफ होती है, लंबी चौड़ी नलिका होती है। भित्ति इसकी ग्रंथिल होती है, इसमें आमाशय आंत्र दोनों सम्मिलित होते हैं। मध्यांत्र भीतर से एंडोडर्म के द्वारा आस्तरित होती है। इसके आमाशय और मध्यांत के अंदर एक डायफ्राम, बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। इसकी आंत्र बहुत ही सक्रिय और नलिकाकार संरचना होती है, उधर के अंतिम खंड तक फैली रहती है। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग बनाती है, और आंत
ये आंत के दो भाग बनाती है, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। ये ग्रंथिल उपकला के द्वारा आस्तरित होती हैं। इसके संधि स्थल पर मेलपीजियन टिब्यूल्स पाई जाती हैं, जुड़ी रहती हैं, जो उत्सर्जन का काम करती हैं। हाइंडगट की बात करें तो आहार नाल का सबसे पीछे का छोटा भाग जो है, जिसमें मलाशय और गुदा सम्मिलित होते हैं, ये प्रोक्टोडियम कहलाता है। पुष्य के खंड के अधर सतह पर ये गुदा के द्वारा बाहर खुलता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो बिच्छू की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो संपूर्ण उदर गुहा में फैली रहती है, पाली युक्त होती है यानी लोब्ड होती है, और इनके हेपेटोपैनक्रियास या काइलेंटेरॉन भी कहते हैं उसे, ये पांच जोड़ी वाहिकाओं के द्वारा आंत में खुलता है, और ये वाहिकाएं हेपेटिक डक्ट कहलाती हैं, क्योंकि ये हेपेटिक जूस उसमें डालती हैं, ला करके एंजाइम्स डालती हैं। ये पाचक रस आंत में डाले जाते हैं, जहां पर भोजन का पाचन हो जाता है। भोजन ग्रहण के समय भोजन को लुगदी के रूप में बदला जाता है, और इसी समय एल्वुलर ग्लैंड के द्वारा पाचक रसों का श्रवण होता है, जिसमें प्रोटीन का आंशिक पाचन हो जाता है। अधपचा भोजन जो है वो आमाशय में आता है, और यहाँ मुख्य पाचन की क्रिया होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन हो जाता है। इसके बाद आंत में ही अवशोषण होता है इसका, और अपच पदार्थों को सूखों की सहायता से आगे की तरफ भेज दिया जाता है, और मध्यांतर में थोड़ा बहुत अवशोषण होता है। इसके बाद में शेष पदार्थ मलाशय में एकत्रित होता है, और वहां से गुदा के द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। अब आते हैं इसके रेस्पिरेशन पर। बिच्छू में रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग्स पाए जाते हैं। बुक लंग्स ऐसे लंग्स होते हैं जिनमें जिनकी जो लेमेली है वो इस प्रकार से एक के ऊपर एक आस्तरित होती है, आच्छादित होती है, जैसे कि एक किताब, किसी किताब के पन्ने आपस में एक दूसरे के ऊपर आच्छादित होते हैं, इस प्रकार से उसकी संरचना दिखती है, बुक की संरचना के समान संरचना दिखती है, इसीलिए इनको बुक लंग्स कहते हैं। ये मीजोसोमा के तीसरे से छठे खंड तक प्रत्येक खंड में एक जोड़ी के हिसाब से चार जोड़ी पाए जाते हैं। ये क्यूटिकल के द्वारा बनी हुई थैली के समान संरचना होती है, इसमें पल्मोनरी सैक भी कहते हैं इनको। प्रत्येक जो बुक लंग है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक एट्रियल चेंबर और एक पल्मोनरी चेंबर। एट्रियल चेंबर में वायु भरी रहती है, तिरछी दरार के रूप में ये छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। इसमें श्वास या छिद्र जिसे स्पाइरिकल कहते हैं वो वायु के संपर्क में बने रहते हैं, स्पाइरिकल की सहायता से वायु अंदर आती है और उन्हीं की सहायता से बाहर जाती है। पल्मोनरी चेंबर जो है इसका निचला भाग होता है, इसमें लगभग 150 लेमेली के लगभग पाए जाते हैं। ये लेमेली समानांतर पुस्तक के पन्नों की तरह व्यवस्थित रहते हैं, इसीलिए इसको बुक लंग्स कहते हैं। ऊपर क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। इसके अधर साइनस में अशुद्ध रक्त एकत्रित होता है, ये पुस्त फुफ्फुस में अनाक्षिकृत हो जाता है, जैसे इसमें बुक लंग्स स्कॉर्पियन का दिखाया गया। ये जो इसमें किताबजी जैसी संरचना है ये लेमेली है, और लेमेली एक दूसरे के ऊपर इम्ब्रिगेट होती हुई और ये इसमें दिखाई देती है। बिच्छू का परिसंचरण तंत्र की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन इस प्रकार है। इसमें इसके पांच भाग होते हैं, हार्ट, पेरिकार्डियम, आर्टरीज, साइनस और वेन्स। पृष्ठ वक्षीय क्षेत्र में इसके हृदय पाए जाते हैं। हृदय कई होते हैं, हृदय लाइन की लाइन पाए जाते हैं इसके डोर्सल रीजन में। ये लंबा संरचना के लंबे होते हैं, इनके ऊपर हृदयावरण पाया जाता है। ये हेपेटोपैनक्रियास के ठीक ऊपर होते हैं, टर्गा के ठीक नीचे होते हैं। ये अंदर की सलवटों के द्वारा आठ कक्षों में बटा रहता है। आठ कक्ष यानी कि आठ हृदय के समान संरचना, आठ पाउच उसमें दिखाई देते हैं, आठ चैम्बर दिखाई देते हैं। प्रत्येक के पार्श्व में कपाट या छिद्र पाए जाते हैं। हृदय की दीवार पेशी और लचीली होती है, इसकी गुहा स्पंजी होती है। हृदय से मोटी पेशी युक्त धमनियां निकलती हैं। ये आगे की तरफ एंटीरियर ओर्टा और पीछे की तरफ पोस्टीरियर ओर्टा निकलती है, जो शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड की सप्लाई करती है। इसके पार्श्व में प्रत्येक देह प्रकोष्ठ से एक जोड़ी पार्श्व धमनियां निकलती हैं, जो साइड में जाकर के और पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करती हैं। पश्चिमाधमनी पीछे के खंडों में विष ग्रंथि तक रक्त पहुंचाती है। बिच्छू का रक्त नीला होता है, पतला होता है, तरल होता है। इसमें फेगोसाइट्स पाई जाती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसमें तांबा होता है। ये ऑक्सीजन को ग्रहण करके हल्का नीला हो जाता है। इसमें रक्त स्कंदन का गुण भी पाया जाता है, ब्लड क्लोटिंग की कैपेसिटी पाई जाती है। इसमें रक्त का थक्का अतिशीघ्र जमता है, यदि किसी बिच्छू में अन्य आर्थ्रोपोड की तरह खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसकी जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम के अंदर ये ऊपर की तरफ ये हार्ट हैं, और हार्ट से आगे की तरफ ये इसमें आगे की तरफ अग्र एंटीरियर ओर्टा है। एंटीरियर ओर्टा में से आगे के विभिन्न भागों में सप्लाई करने वाली विभिन्न आर्टरीज हैं, और फिर पीछे की तरफ
ये इस पीछे के आर्ट से ये पोस्टीरियर ऑर्टा निकल रहा है जो पीछे की तरफ इसके डंक तक ब्लड की सप्लाई करता है। इस प्रकार से ये इसका स्कॉर्पियन का सिस्टम है, सर्कुलेशन है। वो सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है वो इसमें ये चित्र में दिखाया गया है रेखा चित्र के द्वारा। हार्ट से ब्लड आर्टरीज में आता है, आर्टरीज से ब्लड लेक्यूना में आता है, विसरा में जो फैली रहती हैं, फिर डोर्सल लेटरल एंड पेरिविसरल साइनस के द्वारा ये वेंट्रल साइनस में आता है, वेंट्रल साइनस से बुकलंग्स में जाता है जहां इसका प्यूरिफिकेशन होता है, बुकलंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा पेरिकार्डियम में जाता है, पेरिकार्डियम से ओस्टियम से होते हुए फिर वापस हार्ट में चला जाता है। उत्सर्जन की बात करें तो बिच्छू में उत्सर्जन के लिए आंत्र के उदर में दो जोड़ी मेलपिगियन नलिकाएं पाई जाती हैं, प्रोसोमा के दोनों तरफ चमकीली सफेद कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती हैं और नेप्रोसाइट्स पाई जाती हैं। तीसरी जो चलनांग है, तीसरा वॉकिंग लेग है, उसके कॉक्सा के अधर पर एक छिद्र के द्वारा खुलती है। मीजोसोमा के देह भित्ति के नीचे बड़ी बड़ी नेफ्रोसाइट पाई जाती हैं, ये रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को अलग करती हैं। बिच्छू में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होते हैं अमोनिया और यूरिक अम्ल। ये मेलपिगन ट्यूल का एक टीएस इसमें दिखाया गया है और इसमें टीएस में सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, फिर पेरिटोनियल शीथ, फिर उसके बाद में स्ट्रिएशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, और सबसे अंदर की तरफ ल्यूमन है। ये इसका कॉक्सल ग्लैंड है जो कॉक्सा पर पाई जाती है, एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर खुलती है और इसमें ये वेसिकल पाया जाता है। वेसिकल से एक नलिका निकलती है जिसे लेबिरिंथ कहते हैं, वो लेबिरिंथ ब्लैडर के माध्यम से एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर खुल जाता है। ये कॉक्सा पर पाई जाने वाली कॉक्सल ग्लैंड। इसके बाद इसके तंत्रिका तंत्र की बात करें तो बिच्छू का तंत्रिका तंत्र प्रारूपी रूप से एनेलिड प्रकार का होता है। इसमें मस्तिष्क अधोग्रसनी तंत्रिका गुच्छ और कुछ अधर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। बिच्छू के मस्तिष्क प्रोसोमा में नेत्र के ठीक नीचे उपस्थित होता है। इसकी दोनों पालियां एक एक प्रमस्तिष्क उत्सक को निरूपित करती हैं। इनमें से एक एक दृढ़ तंत्रिका निकल करके नेत्रों में जाती है, ग्रसिका और ग्रसनी में जाती है। ग्रसिका के ठीक नीचे सबकुशोफेशियल गैंग्लियन होते हैं जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड का भाग बनाते हैं, पीछे की तरफ फैल करके वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाती है। मस्तिष्क से निकल करके दो जो पेरिओसोफेशियल कनेक्टिव है वो जाकर के और उसके चारों तरफ एक वलय बना लेती है ओसोफेगस के, और वो वलय नर्व रिंग कहलाती है इसकी। इसमें चित्र में अगर देखें हम तो चित्र में ये इसकी नर्व रिंग है और ये इसका वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास और ये प्री एब्डोमिनल गैंग्लियोन, ये एब्डोमेन के गैंग्लियन है, ये तीन गैंग्लियन एब्डोमेन के हैं, ये पोस्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन है, यानी प्रत्येक खंड में ये गैंग्लियन पाया जाता है और लास्ट में ये इस गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में यानी टेल सन तक फैली रहती हैं और पूरे शरीर में। और आंख में जाने वाली ये ऑप्टिक नर्व, मीडियन आई और इसकी लेटरल आई, दो प्रकार की आई होती हैं, उन दोनों आई में ये आंखें जाती हैं, ये नर्व जाती हैं, चैलिसर्स में जाती हैं, पेडिकल में जाती हैं। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में ये नर्व फैले रहती हैं। बिच्छू में जो अधोग्रसनी तंत्रिका रज्जू से छह जोड़ी तंत्रिकाएं निकल करके और सेफेलोथोरेसिक अपेंडिसेस में जाती हैं। इसके तीन जोड़ी तंत्रिकाएं तो जेनेटल चेंबर में, पेक्टिन में और बुकलंग्स में जाती हैं, और अधोग्रसनी तंत्रिका रज्जू से अधर ग्रसनी तंत्रिका रज्जू यानी वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलता है जो पीछे के चार खंडों तक फैला रहता है। इसमें उदर भाग में सात कुछ गैंग्लियन पाए जाते हैं, इसमें से तंत्रिकाएं निकल करके उदर के विभिन्न भागों में जाती हैं। संवेदी अंग की बात करें तो बिच्छू में नेत्र, पेक्टिन और संवेदी टीटी या ट्राइकोबोद्रियम और स्लिट संवेदी अंग पाए जाते हैं। नेत्र बिच्छू में तीन आंखें पाई जाती हैं, दो तो पार्श्व में होती हैं और एक बीच में होती है जिसे सरल नेत्र कहते हैं। इसमें एक लेंस पाया जाता है और डिप्लोस्टाइकस टाइप प्रकार की आंखें होती हैं मध्य वाली। लेंस के नीचे की तरफ हाइपोडर्मल सेल्स विट्रियस बॉडी बनाती है, इसके रेबडोमियर बनाते हैं। इसकी पार्श्व आंखें मोनोस्टाइकस प्रकार की होती हैं, इनमें विट्रियस बॉडी अनुपस्थित होती है। इसके रेबडोम अनियमित आकृति के होते हैं, इनमें मोजेक विजन पाया जाता है। एक्टिन बिच्छू में कंघी के समान अधर तल पर एक कंघी के समान संरचना पाई जाती है जिसे पेक्टिन कहते हैं। इसमें एक शाफ्ट और गतिशील प्रवर्ध लगे रहते हैं, ये टच रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं। इनमें शाफ्ट के पश्च किनारे पर लगे हुए पंक्तियों में चार से लेकर के 30 पंक्तियों में दांते पाए जाते हैं और ये केवल नर बिच्छू में बड़े आकार के होते हैं, मादा में ये छोटे आकार के होते हैं। इनका कार्य प्रजनन के समय मैथुन में सहायता करना होता है, यानी टच सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं ये।
सेंसरी सिटी बिच्छू में संपूर्ण सतह पर बिखरे हुए सेंसरी सिटी पाए जाते हैं, ये स्पर्श संवेदी अंग होते हैं। ट्राइकोबोद्रिया बिच्छू में प्रत्येक चिलेट लैग पर 66 से लेकर के 68 सीटी के समान ट्राइकोबोद्रिया नामक संवेदी अंग पाए जाते हैं। प्रत्येक ट्राइकोबोद्रिया अंग फ्लास्क के समान क्यूटिकुलर संरचना होती है, ये हवा के धारा को पहचानने का कार्य करते हैं, रेस्पॉन्स टू एयर करंट का काम करते हैं। उसके बाद में स्लेट अंग होते हैं, बिच्छू में संपूर्ण शरीर पर फैले हुए स्लेट अंग पाए जाते हैं, ये त्वचा में एपिडर्मल आवरण से ढके हुए रहते हैं। इनके अंदर की दीवार में तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। इनका कार्य उपांगों की गति से संबंधित होता है, ये तरंगों की संवेदना भी लेके आते हैं। बिच्छू का प्रजनन तंत्र की बात करें तो बिच्छू जो है वो एकलिंगी प्राणी होता है, यानी इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। नरबिच्छू को निम्न लक्षणों से पहचाना जा सकता है। नरबिच्छू मादा की अपेक्षा छोटे आकार के होते हैं, इनका उदर सकरा होता है, लंबे पेडिबल्ब होते हैं और लंबी पूंछ होती है। इनमें पेक्टिन दांत जो है अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक शुक्र नलिकाएं होती हैं, जनन कक्ष होता है, पैराक्सियल अंग होते हैं, कॉमन जनन छिद्र होता है। नर जनन छिद्र के निम्न भाग होते हैं वृषण, ये एक जोड़ी जाली के समान संरचना होती है। नरबिच्छू में मध्य पृष्ठ में हेपेटोपैनक्रियास में दसे हुए वृषण पाए जाते हैं, उदर में 3 खंड तक फैले रहते हैं। प्रत्येक वृषण 2 लंबी सक्रिय जनन नलिकाओं का बना होता है, इसमें शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें शुक्राणु जनन की क्रिया से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रवाहिका या वसा डिफरेंशिया, प्रत्येक वृषण के बाहरी पश्चिम सिरे पर एक एक चौड़ी पतली भित्ति वाली शुक्रवाहिका निकलती है और इसका अंतिम सिरा शुक्राशय में खुलता है। शुक्राशय एक ऐसी संरचना है जहां पर शुक्राणुओं का संचय किया जाता है। इसके साथ में एक्सेसरी ग्लैंड है, नर जननांग में 4 जोड़ी एक्सेसरी ग्लैंड पाई जाती है, डोर्सल एनेक्स ग्लैंड, वेंट्रल एनेक्स ग्लैंड, ओवल ग्लैंड, सिलिंड्रिकल ग्लैंड। इनमें से तरल पदार्थ स्रावित होता है जो जनन में सहायक होता है। इसका मेल स्कॉर्पियन का अगर बात करें तो इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से है। नर जनन तंत्र की ये इसके टेस्टिस हैं, जाली के नुमा और नलिका नुमा संरचना है। टेस्टिस में से ये वासा डिफरेंशिया निकल रही है, वासा डिफरेंशिया आगे चल करके और जेनेटल चैम्बर के द्वारा और कॉमन जेनेटल चैम्बर के द्वारा ये बाहर खुलते हैं। यहाँ पर इनका स्टोरेज होता है टेम्परेरी समय के लिए। ये सेमिनल वेसिकल है पीछे की तरफ जहाँ पर इनका स्टोर होता है। अगर फीमेल इसकी बात करें तो ये ओवरी हैं, ओवरी थैली के समान संरचनाएं लटकी हुई रहती हैं, बहुत सारी ओवरी हैं। ये ओवरी आपस में ये जनन के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करके इन अंडाणुओं को आगे की तरफ भेजती हैं और कॉमन जनन छिद्र के द्वारा ये समय समय पर बाहर निकलते रहते हैं। मादा जनन छिद्र बिच्छू में एक अंडाशय होता है, 2 अंडवाहिनियां होती हैं, एक जनन कक्ष होता है। मादा अंडाशय भी वहीं स्थित होता है जहां पर नर में वृषण होते हैं। अंडाशय में अंडाणु विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पड़े रहते हैं। बिच्छू एक शिशु प्रजक यानी विवीपरस प्राणी है, इसमें बच्चों को जन्म देता है, अंडे नहीं देता है। इसमें भ्रूणों का विकास पुटिकाओं में होता है। इन पुटिकाओं की तुलना अन्य प्राणियों के गर्भाशय से की जा सकती है। पॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, बिच्छू में वर्षा ऋतु में प्रजनन होता है, इसमें निषेचन आंतरिक होता है। बिच्छू में मैथुन से पूर्व एक विशेष अनुरंजन कोर्टसिप बिहेवियर पाया जाता है, जिसमें नर और मादा बिच्छू इस प्रकार से समीप आते हैं एक दूसरे के कि उनके मुंह आमने सामने होते हैं। पश्च उदर भाग उठा हुआ रहता है, इसमें यानी इनका डंग उठा हुआ रहता है। नर बिच्छू अपने पेडिपल्प द्वारा मादा के पेडिपल्पों को पकड़ लेता है इस प्रकार से, और फिर दोनों बिच्छू इसी अवस्था में करीब 1 घंटे तक चारों तरफ घूमते हैं। इसे मेटिंग डांस कहते हैं। अंत में नर बिच्छू पत्थर के बिल के नीचे जाता है और उसमें मादा भी चली जाती है, दोनों घुस जाते हैं और वहां पर मैथुन होता है। मैथुन के बाद में मादा बिच्छू नर को खा जाता है, फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट मादा जो है वो फिर कुछ समय बाद में बच्चों को जन्म देती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो बिच्छू के अंडे छोटे और गोल होते हैं, ये अति पीती की होते हैं और पुटिकाओं में ही रहते हैं। इसमें परिवर्तन आंतरिक होता है, अत्यंत धीमा होता है, कभी कभी सालों लग जाते हैं इसके परिवर्तन में। एक बिच्छू में एक बार में 24 से लेकर के 36 बच्चे को जन्म देती है, इसलिए ये जरायुज विवीपरस प्राणी होते हैं। बच्चे वयस्कों से मिलते जुलते हैं, इनमें मात्र रक्षण पाया जाता है। मादा अपनी पीठ पर लेकर के बच्चों को घूमती रहती है और भूख लगे तो इनका भक्षण, जब बच्चों को भूख लगती है तो ये अपनी माता को ही नोच नोच करके खा जाते हैं और वो माता धीरे धीरे उसका पूरे शरीर को चट कर जाते हैं और फिर उसके बाद में ये वो मर जाती है तो उसको छोड़ करके चले जाते हैं, फिर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्कॉर्पियन। थैंक यू वेरी मच।